Hello friends, we are going to discuss some numerical problems based on center of mass. यहाँ पे हमारे पास दो numerical problem है, एक triangular structure है और एक square structure है. इस triangular structure में vertices पे equal masses रखे गए हैं और ये एक equilateral triangle है जिसकी side length a है. हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. हमने क्या किया, हमने ये अरेंजमेंट इस्टैब्लिश कर लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो इसका कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए जीरो होगा. अब इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ये ए वाई टू होगा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, यानी ये हो जाएगा रूट थ्री ए अपान टू. यानी ये कोऑर्डिनेट हम लिख पाएंगे ए बाई टू. एक्स एक्सिस पे ये ए बाई टू होगा और वाई एक्सिस पे हो जाएगा रूट थ्री बाई टू ए. अब जो है फॉर्मूला इसका बहुत इजी हो जाएगा. एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपान M1 प्लस M2 प्लस M3. सारे मासेस सेम है, M कॉमन ले लीजिए, नीचे 3M होगा. X1 क्या है, 0. X2 क्या है, A. X3 क्या है, A by 2. इसको हम सॉल्व करेंगे 1 by 3 and this is 3A by 2. 3A by 2. 3 will be cancelled with 3 and you are left with A by 2. XCM की वैल्यू आपको मिल गई a by 2. Now come to YCM. What about YCM? M1 y1 plus M2 y2 plus M3 y3. इसी तरह से M upon 3M बाहर कर लेंगे हम. Y1 is 0, y2 is 0 and y3 is what? Root 3 by 2 a. And this will be ए अपान टू रूट थ्री. यानी हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए बाई टू एंड दिस इज ए अपान टू रूट. ये प्रॉब्लम हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे ही करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही इस प्रॉब्लम को भी हम लोग कर सकते हैं. एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन. एम वन इज वॉट, 2 ग्राम. X1 is 0, M2 is, again M2 is 2 gram, X2 is, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. ये कोऑर्डिनेट L0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0L और ये कोऑर्डिनेट होगा LL. तो M1 X1, M2 X2 plus M3, M3 is 1, X3 plus M4 is again 1 and X is 0 divided by all the masses 2 plus 2 plus 1 plus 1, that will be 6 and this is 0, this is 0. 2L plus L, that is equal to 3L upon 6, that is equal to L upon 2. Now come to YCM. What is YCM? Again the same formula can be used. M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 by 3 plus M4 by 4 upon M1 plus M2 plus M3 plus M4. तो ये पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा भी टर्म 0 हो जाएगा, तीसरा टर्म मिलेगा 1 multiplied by L plus 1 multiplied by L upon 6 means 2L upon 6, that will be L upon 3. यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसमें L by 2 and this is L upon 3. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. अब एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क है जिसकी रेडियस हम कैपिटल R एज्यूम कर रहे हैं. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर एज्यूम की हुई है.
ये इट इज कैपिटल आर। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ हम लोग ऐसे बना सकते हैं एक्स वाई, इनिशियली ये जीरो जीरो कैपिटल आर इसकी रेडियस। अब क्या किया गया है, आर बाई टू रेडियस का बिल्कुल ऐसे ये इस डिस्क को रिमूव कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसकी रेडियस कितनी है, आर बाई टू। अब आपको न्यू सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास पहले जो सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो आएगी। जो ओरिजिनल स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर का मास कितना होगा, यम वन। हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूनिट एरिया का मास स्मॉल एम एज्यूम कर रहे हैं, यूनिट एरिया का मास हम स्मॉल एम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसकी पूरी पूरी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्क की पूरी एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और यूनिट एरिया का मास हमने स्मॉल एम एज्यूम किया हुआ था। तो ओरिजिनल डिस्क का जो मास होगा m1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर m1, और ये जो डिस्क रिमूव की हुई है इसका मास कितना होगा, m2 इज इक्वल टू पाई r बाय 2 स्क्वायर एंड दिस इज m, सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 m। आप अगर इसको कैपिटल m मानते हो तो ये कितना हो रहा है, ये कैपिटल m अपॉन 4 हो जाएगा, 1/4 मास होगा ओरिजिनल डिस्क का ही जो रिमूव्ड पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे हम आते हैं, जो ओरिजिनल डिस्क है उसका सेंटर आप मास का कोऑर्डिनेट क्या है, c1 इज इक्वल टू 0 0, और जो ये रिमूव किया है हमने ये c1 था, और ये जो रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ये यहां से यहां तक r by 2 होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा r by 2, r by 2। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला है xm इज इक्वल टू m1 x1, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस। इसमें हमने मास ऐड नहीं किया, हमने मास रिमूव किया है, इसलिए यहां हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व, यम वन की वैल्यू क्या है, यम वन इज यम बाई फोर, एक्स वन इज जीरो, इसका एक्स वन जीरो है, माइनस सॉरी यम वन इज नॉट यम बाई फोर, यम वन इज कैपिटल एम, m1 is capital M multi 0 minus m2 is m by 4. And what about x2? x2 is r by 2. x2 is r by 2 divided by m1 minus m2. And this will be what? This is 0. This will be minus mr upon 8. And this is 3m by 4. So this will be 3m upon 4, 4 to the 8, m will be cancelled with m, and you are left with minus r upon 6. ये वैल्यू होगी, यानी जो न्यू सेंटर ऑफ मास होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर बाई सिक्स जीरो, ये न्यू सेंटर ऑफ मास होगा। थैंक्स।